स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल में तो आज के वीडियो में देखेंगे टेन क्लास का साइंस अम्ल क्षारक और लवण दूसरा चैप्टर का ये सेकेंड पार्ट पहला पार्ट में आम्ल और क्षारक को समझे थे आज देखेंगे आम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस यानी कि रिएक्शन पढ़ेंगे ठीक है किससे किससे किस टाइप से अम्ल और क्षारक रिएक्शन करता है वो सारी चीज़ों को समझेंगे तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए धातु के साथ सबसे पहले भी देखते हैं ठीक है धातु के साथ सबसे पहला देखेंगे धातु के साथ अम्ल और क्षारक दोनों का अभिक्रिया ठीक है तो धातु के साथ अम्ल को देखते हैं अम्ल उसके बाद क्षारक धातु के साथ अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कैसी होती है ठीक है तो याद रखिएगा धातु और अम्ल मिलता है तो लवण हाइड्रोजन है, और लवण और हाइड्रोजन है ना यानी धातु को धातु प्लस अम्ल धातु को अगर अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो याद रखिएगा लवन प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है लवन प्लस हाइड्रोजन धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने से लवन प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है और धातु को अगर क्षारक से अभिक्रिया कराया जाए क्षारक से अभिक्रिया कराया जाए तो भी लवन हाइड्रोजन लवन और हाइड्रोजन ही बनता है तो है चाहे अम्ल से रिएक्शन करे या क्षारक से रिएक्शन करे धातु अम्ल और क्षारक दोनों के साथ एक ही चीज़ बनाता है लवण और हाइड्रोजन गैस है ना सेम बनता है उसमें भी लवण और हाइड्रोजन गैस एग्जाम्पल एक, एक याद रखिएगा जैसे धातु ले, ले लेते हैं एक ठो अम्ल लेते हैं पहले अम्ल एच सी एल आम्ल हो गया ठीक है अम्ल इधर लिखेगा तो ज़्यादा बेटर होगा चलिए अम्ल जो है धातु के साथ अम्ल प्लस धातु उसी तरह क्षारक प्लस धातु किसी को भी लिख सकते हो वैसा कोई जरूरी नहीं है अम्ल एच सी एल एच सी एल एक अम्ल हो गया उसके बाद धातु कोई एक धातु ले, ले लेते हैं जैसे यहाँ पे हम जिंक ले, ले लेते हैं ठीक है तो अम्ल और धातु जेड एन सी एल टू लवन जेड एन सी एल टू लवन बन गया जेड एन धातु है और क्लोरीन आधातु तो धातु और आधातु मिला हुआ है उ, द, मिला हुआ रहता है वही लगभग वही उसी को लवन कहेंगे ठीक है तो लवन बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस तो ये सब रिएक्शन याद रखिएगा ठीक है और संतुलित कर देना है इसको एच सी एल और जिंक एच सी एल क्या है अम्ल है और ये जिंक धातु है दोनों अभिक्रिया कराएंगे तो लवन बनेगा जिसका नाम है ए जेड एन सी एल टू जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा ठीक है हाइड्रोजन इधर देखिए दो गो है इधर एक ही हाइड्रोजन है तो यहाँ दो लगा देंगे संतुलित करने के लिए पहला चैप्टर में संतुलित करना बताए हैं तो दो गो हाइड्रोजन दो गो क्लोरीन भी हो गया दो गो क्लोरीन यहाँ भी दो गो हाइड्रोजन जिंक एगो यहाँ भी जिंक एगो ठीक है क्लियर है इसी तरह देखते हैं एन ए ओ एच ये क्या है छारक है एन क्या है छारक है ठीक है इसको अगर रिएक्शन करा देते हैं यही धातु से जेडन से तो इसमें बन जाता है एन ए टू जेड एन प्लस हाइड्रोजन है ना हाइड्रोजन गैस निकलेगा ठीक है सोड सोडियम हाइड्रोक्साइड ये छारक है ये धातु जेडन जिंक धातु है लवन बनेगा एन ए टू जेड एनओ टू प्लस एस टू क्या है तो सोडियम जिंकेट है सोडियम जिंकेट है ना एन ए टू जेड थ्री ये क्या है सोडियम जिंकेट है ठीक है अब इसको संतुलित कर देना है तो एन ए देख इधर दो गए है इधर एक ही है तो यहां लग जाएगा दो उसके बाद दो अगर लगा दिए तो ऑक्सीजन दो हो गया उधर ऑक्सीजन है दो हाँ ठीक है हाइड्रोजन दो हो गया तो उधर है हाइड्रोजन है दो हाँ ठीक है जिंक एगो है तो उधर भी जिंक एगो है ठीक है तो ये संतुलित हो गया संतुलित करते जाना है समीकरण जहाँ पे भी लिखेंगे संतुलित करके लिखेंगे यानी दोनों तरफ संतुलित होना चाहिए बराबर होना चाहिए तत्वों की संख्या अदरवाइज दरबान संरक्षण के नियम के अनुसार पढ़े हैं क्या पढ़े हैं कि ना हम किसी दरबान को या किसी तत्व को निर्माण कर सकते हैं ना विनाश कर सकते हैं तो किसी भी तत्व का विनाश और निर्माण नहीं करना है अपने से जो रिएक्शन है उसी के अनुसार करना है दोनों तरफ सेम तत्व होनी चाहिए बराबर नंबर ऑफ तत्व एलिमेंट होनी चाहिए ठीक है तो ये हो गया एक याद रखिएगा ठीक है उसके बाद धातु और कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट्स अभिक्रिया अगर देखेंगे तो क्या होगा यहीं पे देख लेते हैं धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट्स अम्ल के साथ और इधर देखेंगे क्षारक तो छारक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट जो होता है क्षारक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है तो उसको याद करनी अम्ल सिर्फ अभिक्रिया करता है तो देखिए अम्ल को अगर अभिक्रिया करा दे धातु कार्बोनेट से धातु कार्बोनेट तो धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो याद रखना है बनेगा लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये तीन चीज बनता है ठीक है लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल धातु कार्बोनेट धातु कार्बोनेट में क्या आ जाता है सीओ थ्री आ जाता है सीओ थ्री इसलिए सी आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल साथ में बनता है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड और जल ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड और जल लवन सब में बनेगा ठीक है तो जैसे एक धातु एक अम्ल लेते हैं एक अम्ल लेते हैं वही एच सस्ता अम्ल सबसे उसके बाद एक धातु कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट धातु कार्बोनेट यानी धातु के साथ कार्बोनेट लगा हुआ रहेगा कार्बोनेट किसको बोलते हैं CO3 थ्री कार्बोनेट का सूत्र CO3 थ्री कार्बोनेट और सोडियम हो गया धातु तो धातु कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट हो गया ये दोनों उसको अभिक्रिया कराएंगे तो लवन बनता है तो एन ए सी एल एक नाम लवन है एन ए सोडियम और क्लोरीन है ना एन ए सी एल लवन हो गया उसके बाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर एच टू हो जल मतलब एच टू ठीक संतुलित कर देना है एच ए है उधर ए है दो गो है उधर तो यहाँ लगा दो दो गो दो लग गया तो सी एल भी CL hai, दो गो तो हो गया तो इधर सी एल दो गो है एक एक है तो यहाँ दो लगा दो तो दूगो सी एल हो गया तो एन ए भी दो गो हो गया तो एन ए दो है यार बिल्कुल है कार्बन ए है इधर कार्बन एक ठीक 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 ऑक्सीजन तीन तीन गो है इधर ऑक्सीजन दुई यहाँ तीन ठीक है क्लियर है तो अम्ल और धातु कार्बोनेट लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल याद रखिएगा इसी को इधर कंटिन्यू करते हैं क्षारक का कोई अभिक्रिया नहीं करता है यही अम्ल को अगर धातु बाई कार्बोनेट से भी क्रिया कराया जाए धातु कार्बोनेट बाई कार्बोनेट में क्या होता है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है हाइड्रोजन जोड़ दे बीच में तो बाई कार्बोनेट कहलाता है ठीक है धातु कार्बोनेट तो जैसे अम्ल तो इसमें भी वही चीज बनेगा लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल याद रखिएगा लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों कंडीशन में धातु कार्बोनेट रहो रहे या धातु कार्बोनेट रहे दोनों में अम्ल अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है ठीक है तो एक जैसा वाला को एक साथ कर रहे ताकि याद करने में दिक्कत ना हो धातु और अधातु धातु के साथ अभिक्रिया क्षारक और अम्ल दोनों का क्या होता है लवन और हाइड्रोजन बनता है इसमें भी लवन हाइड्रोजन इसमें क्या बन रहा है लवन कार्बन डाइऑक्साइड जल इसमें भी लवन कार्बन डाइऑक्साइड जल दोनों धातु है दोनों धातु है है ना धातु बाईकार्बोनेट या धातु कार्बोनेट है ना दोनों आम्ल का है है ना आम्ल का है दोनों क्या है आम्ल का है क्षारक का कोई रिएक्शन नहीं होता है धातु कार्बोनेट और धातु बाईकार्बोनेट से ठीक है तो आम्ल वही ले लेते हैं एक एच सी एल और धातु कार्बोनेट में एन ए एच सीओ थ्री ले लेते हैं वही सोडियम वाला है ना सोडियम कार्बोनेट ये है यानी धातु कार्बोनेट और ये धातु बाई कार्बोनेट एच बीच में लग जाता है धातु उसके बाद कार्बोनेट और बीच में एच धातु और कार्बोनेट के बीच में जब एच जा लग जाता है हाइड्रोजन लग जाता है तो उसी को पढ़ते हैं धातु बाई कार्बोनेट है ना तो सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया तो इससे बनेगा वही लवन है तो लवन एन सी एल सोडियम तो माने धातु और अधातुओं मिल गया लवन बन गया प्लस सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और एच टू वो जल हो गया उसके बाद संतुलित कर देना है एच एगो है उधर एच दो है तो लगा देंगे दो यहाँ दो जैसे लगाएंगे क्लोरीन में भी दो हो जाएगा क्लोरीन का भी दो हो गया ठीक है तो क्लोरीन यहाँ एक ही है तो दो लगा देंगे जैसे दो लगाते हैं तो सोडियम भी दो हो जाता है तो यहाँ भी दो लगा देंगे तो ये सोडियम दो हो गया अब यहाँ दो लगाएं तो हाइड्रोजन भी तो दो हो गया ये हाइड्रोजन यहाँ दो और यहाँ भी दो है हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन दो और दो चार हो गया हाइड्रोजन चार गो है यहाँ देख यहाँ दो ये गो है तो यहाँ कहा लगा देंगे दो लगा देंगे यहाँ दो तो दो दूनी चार गो हाइड्रोजन हो गया यहाँ दो जैसे लगाए ऑक्सीजन दो हो गया तो ऑक्सीजन दो 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 ऑक्सीजन दो वहाँ और यहाँ दो है तो चार ऑक्सीजन हुआ गया यहाँ ऑक्सीजन कितना है तीन दूनी छः गो ऑक्सीजन है और कार्बन दो गो है यहाँ कार्बन एक एक गो है तो लगा दो दो तो कार्बन दो हो गया और ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन दो दूनी चार गो यहाँ और यहाँ ऑक्सीजन दो गए तो चार दो छ तीसरा दोनों तरफ संतुलित कर लेना है संतुलित करने का सिखाए हैं पहला चैप्टर में एक सेपरेट वीडियो बना दिए हैं संतुलित कैसे करना है उसको है ना तो ना देखो तो देख लीजिएगा बैलेंसिंग इक्वेशन करके है वहाँ पर आपको पूरा समझाएं डिटेल से कैसे इसको संतुलित करते हैं ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक आ, आगे बढ़ते हैं और और भी रिएक्शन देखते हैं ये का नोट्स झार एजुकेयर एप्लीकेशन जो हमारा ऐप है उसमें अपलोड कर दिए हैं जाके देख लीजिएगा डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है अभी डाउनलोड अभी नहीं हो पाएगा वहीं से दिखेगा है ना वहीं देख लीजिएगा और नोट्स कर लीजिएगा ठीक है डाउनलोड का ऑप्शन में काम चल रहा है और बहुत जल्द डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको डाउनलोड करके फाइल में भी रख सकते हैं अभी फिलहाल अप्लीकेशन में ही पढ़ सकते हैं ठीक है नोट्स वाला सेक्शन में जाइएगा तो नोट्स मिल जाएगा एन नोट्स और झार एडुकेयर क्योंकि अप्लीकेशन का नाम है तो सोच रहे हैं कि चैनल को भी बदल के झार एडुकेर कर दे आपका सजेशन क्या है कमेंट करिएगा क्योंकि हम कुछ और सोच के चैनल बनाए थे इसलिए मैथ भाई इस सर किए थे सिर्फ मैथ पढ़ाने की नीयत से लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो कुछ और हो जा रहा है ना और धीरे धीरे अब सोच रहे हैं कुछ ही दिन में सारे सब्जेक्ट का टीचर यहाँ पे प्रोवाइड करें तो इसी के हिसाब से नाम थोड़ा अजीब लगता है इसलिए झार एडुकेयर ही नाम रख देंगे पूरा कोचिंग का तो सजेशन दीजिए नाम चेंज करें या रहने दें ठीक है चलिए शुरू करते हैं आगे तो अभिक्रिया सारे अभिक्रिया को देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है आम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया देखिए परस्पर अभिक्रिया यानी आम्ल और क्षारक यही दोनों को अगर मिला दे अम्ल और क्षारक को ही अभिक्रिया कर दे साथ में तो क्या बनता है तो इसके इसमें कराएंगे तो लवण और जल बनता है ठीक है लवण और जल तो ये रिएक्शन को पिछला पार्ट में भी समझाए थे इसको क्या बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं क्योंकि अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तो अम्ल क्या होता है खट्टा होता है क्षारक कड़वा होता है तो ये खट्टा जो है कड़वा को मार देता है कड़वा जो है खट्टा को मार देता है यानी दोनों एक दूसरे के गुण को क्या कर देता है उदासीन कर देता है न्यूट्रल कर देता है इसीलिए इसको या तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे अंग्रेजी में बोले तो और हिंदी में उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं ठीक तो है उदास डिफिनेशन है डिफिनेशन आपको यहां पे दिखा दे रहे हैं ठीक है डिफिनेशन नहीं लिखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया जब आम्ल द्वारा क्षारक की प्रेक्षित प्रभाव तथा तो क्षारक द्वारा आम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है यानी अम्ल जो है क्षारक के गुण को और क्षारक अम्ल के गुण को समाप्त कर देता है इस तरह से लिख सकते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप क्या लवन और जल का निर्माण होता है इस अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है? ठेके? जैसे एन एच ये छारक है प्लस एच सी एल एच सी दोनों को मिलाइएगा तो बन जाता है एन नमक जो लवण है और एच टू हाइड्रोजन क्लोराइड ठीक है एच टू कोई दिक्कत नहीं है तो याद रखिएगा अम्ल और क्षारक दोनों मिलता है तो क्या करते हैं जब अम्ल और क्षारक को अभिक्रिया कराया जाता है तो अम्ल क्षारक के गुण को और अम्ल के गुण को समाप्त कर देता है जिसके फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं घुरा के फिर से सुन लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ये अपने भाषा में इसको सिंपल शब्द में आप लिख सकते हैं ठीक है या उधर डिफिनेशन दिखा दे रहे उसको भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं चलिए ये रिएक्शन हुआ ये छारक ये अम्ल दोनों मिला तो लवण बन गया और जल बन गया ठीक है इस अभिक्रिया को क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया तो उदासीन उदासीन न्यूट्रल यानी न्यूट्रल हो गया अम्ल का किया छारक के गुण छारक ऐसे जनरली होता है देखिए जैसे आग है कहीं पे आग है तो पानी में डाल देंगे आग में तो आग क्या करेगा पानी को समाप्त कर देगा और पानी आग को समाप्त कर देगा दोनों बुझ जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा आग भी बुझ जाएगा पानी भी खतरा न्यूट्रल हो गया उसी तरह इसमें होता है आम्ल छारक को छारक आम्लो को मार देता है न्यूट्रल हो जाता है ठीक है तो जहाँ पे कहीं पर आम्ल के कारण कोई प्रभाव हो रहा है तो वहाँ पर छाक मिला देते हैं लवन बन जाता है यानी न्यूट्रल हो जाता है जैसे पेट खराब हो जाता है अम्लता हो जाता है बोलते ढूंढिया ढेकार हो रहा है ना पेट उठने लगता है छारक खा लेते हैं यानी इनू पी लेते हैं या फिर मिल्क ऑफ मैग्नेशिया पी लेते हैं या बेकिंग सोडा तो उससे क्या होता है जोनो अम्ल और छारक मिलता है अम्ल छारक जहाँ मिलन हुआ अम्ल छारक के गुण छारक अम्ल के गुण को नष्ट करेगा लवन और पानी बनाएगा यानी कि लवन यानी उदासीन हो जाएगा दोनों और न्यूट्रल हो जाता है तो पेट उठ दर्द जो हो रहा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है ठीक है तो जहाँ पे भी अम्ल से कोई प्रभाव हो तो वहाँ छारक डाल देते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है जैसे खेत में खेत का मिट्टी में ज़्यादातर ज़्यादा अगर अम्ल हो जाता है बारिश सब में तो उसमें छारक डाल दिया जाता है ताकि उसका अम्लता दूर हो ठीक है जैसे बरसात के दिनों में आप देखते होंगे चूना छिड़कते हैं खेत में तो चूना में क्या है छारक है अम्ल हो जाता है अम्लता बढ़ जाता है बरसात में इधर उधर से बह के और या ऊपर से भी अम्ल वर्षा भी होता है तो उससे भी मिट्टी अम्ल में अम्ल ज़्यादा हो जाता है जिससे फसल सही से नहीं होगा तो इसलिए चूना ज़्यादा से ज़्यादा मिलाते हैं तो चूना मिला देते हैं अम्ल में तो क्या हो गया वो न्यूट्रल हो गया यानी अम्ल वहाँ का दूर न्यूट्रल उदासीन हो गया है ना और वहाँ पे अच्छा से फिर फसल उग सकता है ठीक है तो जहाँ पे भी अम्ल की बात हो अम्ल ज़्यादा हो अम्ल को कम करने की बात हो तो झारक मिला देंगे अम्ल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा उदासीन हो जाएगा वो है ना तो कोई दिक्कत नहीं है अज्जा यहाँ पे और कुछ कुछ याद रखिएगा जैसे अगर प्रबल अम्ल हो प्रबल अम्ल क्या होता है ये तो समझा चुके हैं प्रबल अम्ल प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल झारक दुर्बल क्षारक अम्ल और क्षारक के मिलने से लवण बनता है लेकिन प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक को बनाएंगे मिलाएंगे तो अम्लीय विलियन अम्लीय लवण बनता है अम्लीय लवण ठीक है अम्लीय लवण और जल तो बनेगा है ध्यान से देखिएगा इसको समझिएगा प्रबल मतलब कहता है स्ट्रांग स्ट्रोंग एसिड अम्ल एसिड स्ट्रोंग एसिड यानी कि ज़्यादा मजबूत एसिड कहे हैं है? यानी ज़्यादा है एच प्लस जिसमें मिले उसी में नहीं सीट गहते तो आम्ल कहते तो ज़्यादा मजबूत वाला अम्ल है यानी ज़्यादा अम्ल है बढ़िया ताकतवर आम्ल अरे दुर्बल दुर्बल दुर्लभ बदला कमजोर वाला क्षारक तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग वाला अरे कमज़ोर वाला तो मिलेगा दोनों तो उससे जो अभिक्रिया से जो बनेगा लवण जो बनता है तो वो लवण में किसका गुण ज़्यादा रहेगा क्षारक का या अम्ल का तो देख जाहिर सी बात है अम्ल ज़्यादा था प्रबल था यानी स्ट्रांग था ज़्यादा मात्रा में आम्ल था तो जाहिर सी बात है लवण जो बनेगा उसमें अम्लीय लवण बनेगा अम्ल की मात्रा रहेगा ज़्यादा क्षारक से ठीक है तो जब प्रबल अम्ल और दुर्बल यानी कमजोर वाला क्षारक और ताकतवर ज्यादा अम्ल वाला यानी प्रबल अम्ल को रिएक्शन कराएंगे तो जो लवण बनेगा लवण तो बनेगा ही और जल भी बनेगा लेकिन ये जो लवण बनेगा उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा रहेगा तो उसी को अम्लीय लवण कहते हैं ठीक है ठेके? इसी तरह अगर दुर्बल अम्ल रहे दुर्बल अम्ल दुर्बल अम्ल यानी अम्ल कम कम नी तन्य है और प्रबल क्षारक प्रबल क्षारक प्रबल क्षारक रहे यानी ज्यादा क्षारक रहे तो जो लवण बनेगा वो बनेगा क्षारकीय लवण कैसा बनेगा क्षारकीय लवण ठीक है क्षारकीय लवण और जल याद रहेगा दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक प्रबल क्षारक बने ज्यादा क्षारक कम अम्ल तो क्या हुआ क्षारक की मात्रा रहेगा लवण में ठीक है इसी तरह अगर प्रबल अम्ल हो गया प्रबल क्षारक प्रबल क्षारक करें प्लस दुर्बल अम्ल दुर्बल अम्ल देखो दुर्बल है अम्ल प्रबल है छारख तो प्रबल छारख है तो वही क्षार की लवण बनेगा क्लियर है कंसेप्ट चलिए ये दो सही समझ में आएगा और करने की जरूरत नहीं यानी ज़्यादा जो रहेगा परबल जो रहेगा वही उधर बनेगा ठीक हाँ अब आगे कंटिन्यू होंगे तो अब और रिएक्शन देख लेते हैं धातु का धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन अब देख लेते हैं ठीक है ये अम्ल और छार का रिएक्शन हो गया धातु का ऑक्साइड के साथ धातु ऑक्साइड मतलब के साथ रिएक्शन देखेंगे ना धातु ऑक्साइड मतलब धातु के साथ ऑक्साइड लगा हुआ रहेगा धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल को रिएक्शन कराएंगे धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल को तो यहाँ पे भी लवण और जल बनता है ठीक है लवण और जल बनता है जैसे अम्ल और क्षारक रिएक्शन कराएंगे तो लवण जल इसमें भी लवण जल बनता है तो धातु ऑक्साइड को एक ले लेते हैं धातु सी यू धातु है और ऑक्साइड ऑक्सीजन लगा दिए एच सी एल आम्ल है मिला दो तो सी यू सी एल टू और एच टू ठीक है संतुलित कर देना है सी यू एगो है एगो ठीक क्लोरिन एगो है इधर दो इधर दो लगा दिए तो हाइड्रोजन दो होगी हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन ठीक है तो क्या याद रखना है ये 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 धातु ऑक्साइड आमले के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है आमला और क्षारक भी अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है ठीक है कॉपर क्लोराइड जो है ये कि इससे कॉपर ऑक्साइड और एचियल यानी आमले को रिएक्शन कराना और याद रखिएगा कॉपर क्लोराइड से बनने वाला विलयन का रंग जो होता है इसका रंग नीला हो जाता है ठीक है नीला रंग का हो जाता है धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति छारी होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण। तो एक चीज़ देखिए एक चीज़ देखिए एक चीज़ यहाँ से क्वेश्चन उभर के आता है कि धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है तो धातु ऑक्साइड इसको नोट में याद लिख लीजिएगा धातु ऑक्साइड जो है नोट पॉइंट इसको कर लीजिएगा धातु ऑक्साइड जो है इसकी प्रवृत्ति इसकी प्रवृत्ति या प्रकृति कहिए इसका जो प्रवृत्ति होता है इसका जो लक्षण होता है वो किसके जैसा होता है तो क्षार्य टाइप का होता है ना क्षार्य होता है क्षार्य होता है कैसे बोले क्षार्य होता? होता है अवृत्ति इसका क्षार्य होता है क्षारक टाइप का होता है धातु ऑक्साइड क्यों क्योंकि देखिए अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करता है तो लवन और जल बनता है अभी पढ़े अब इसमें एक तो अम्ल है और ये अम्ल और क्षारक क्षारक यह होगा यहाँ क्षारक का कुछ होगा मात्रा तभी तो आम्ल और क्षारक मिल के लवन और जल बना रहा है ठीक है तो चूंकि लवन और जल बना रहा है इसीलिए थोड़ा समझ में आता है कि का जो यहाँ पे ऑक्साइड है धातु ऑक्साइड उसमें भी क्षारक की मात्रा होगी है ना तो क्षारक की मात्रा है इसीलिए लवन आम्ल और क्षारक मिला और लवन और जल बना क्लियर है आगे बढ़ते आधात्विक ऑक्साइड क्षार से रिएक्शन करता है धातु ऑक्साइड आम्ल से धातु ऑक्साइड आम्ल से रिएक्शन करता है से नहीं आधा ऑक्साइड जो है छारा से विक्रिया कराएगा ठीक है और ऑक्सीजन इसलिए ऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन अधातु है तो आधातु ऑक्साइड ये हो गया क्षारक एक ले लेते हैं सी ए ओ एच का होल्ड टू ये ले लेते हैं तो इसमें लवन बनता है कौन सा लवन सी ए सी ओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल अब इसमें ध्यान से देखिए इसमें भी एक क्वेश्चन एक नोट पॉइंट नोट करने जैसा पॉइंट है क्या पॉइंट है ये देख ये तो क्षारक है क्षारक है और अम्ल क्षारक और अम्ल होगा तभी तो यहाँ पे लवण और जल बन रहा है तीनों में तो लवण बन रहा है यहाँ लवण जल यहाँ भी लवन जल और अम्ल और क्षारक रिएक्शन करता है तो लवन और जल बनता है इसका मतलब ये तो क्षारक है समझ में रही है ये तो क्षारक है लेकिन ये जो है अधात्विक ऑक्साइड इसमें क्या गुण होगा अम्लीय गुण होगा है ना अम्लीय गुण होगा इसीलिए अम्ल और क्षारक दोनों मिलकर लवण और जल बना रहा है ठीक है तो धातु ऑक्साइड का परिवृत्ति पूछे तो छार ये होता है क्षारक ये होता है और अधातु ऑक्साइड अधातु ऑक्साइड की परिवृत्ति अम्लीय होता है ठीक है अधातु में अधातु के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ रहेगा जैसे सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ये सब अधातु के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ रहेगा धातु ऑक्साइड में धातु के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ रहेगा जैसे सी ओ टू सी टू का कॉपर ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड ये सब तो धातु के साथ ऑक्साइड लगा हुआ है तो धातु ऑक्साइड जो कि कैसा होगा छाया प्रकृति का होगा इसलिए अम्लीय सभी क्रिया करके लवण और जल बनाता है उसी तरह आधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होगा इसीलिए ये क्षारक सभी क्रिया करता है और लवण और जल बनाता है क्लियर है चलिए एकदम छोटा छोटा चीज़ है लेकिन याद रखने का चीज़ है ये सब एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसलिए डिटेल से पूरा एक भी रिएक्शन को छोड़ नहीं रहे हैं सभी रिएक्शन को आपको समझाते चलिए अब एक चीज़ देख लेते हैं जल्यू विलियन में आम्ल और क्षारक तो जल्यू विलियन में आम्ल और क्षारक का क्या होता है उसको पहला वीडियो हम बता दिए हैं जल्य विलियन में आम्लो को डालेंगे तो H प्लस आयन मिलता है क्षारक को डालेंगे तो OH एच माइनस आयन मिलता है ठीक है तो जल्यू विलियन में जैसे HCl ये आम्ल है प्लस जल एच टू तो एच सी एल और एच टू को मिलाते हैं तो एच थ्री ओ प्लस प्लस सी एल माइनस देखिए ठीक है जल की उपस्थिति में अम्ल एच प्लस आयन उत्पन्न करते हैं एच प्लस आयन एच थ्री ओ प्लस हाइड्रोजन आयन के रूप में पाए जाते हैं तो एच प्लस आयन कैसा रूप में रहता है एच थ्री ओ प्लस इसलिए एच थ्री ओ प्लस या एच हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं ठीक है तो ये इसी के रूप में होता है हाइड्रोजन एच प्लस जो आयन होता है एच थ्री ओ प्लस ये वाला इसके रूप में होता है तो इसीलिए याद रखिएगा H प्लस आयन कहते हैं लेकिन लिख ऐसा भी सकते हैं एच थ्री ओ प्लस भी लिख सकते हैं ठीक है तो ये आयन उत्पन्न करता है H प्लस आयन उत्पन्न करता है कौन अम्ल जल के साथ अभी सेगा और क्षारक जो है क्षारक क्षारक जल के साथ अभिक्रिया करके ओ एच माइनस आयन देता है ये पता होगा ठीक है जैसे एन ए ओ एच को एच टू ओ से अभिक्रिया करा दे तो एन ए प्लस प्लस ओ एच माइनस इस तरह से आयन निकल जाए ये टूट के मतलब आयन में बदल जाता है एन अलग ओ एच अलग इस तरह से ना ये भी टूट जाता है एच अलग स, ए, सी एल अलग सी एल अलग हो यार एच एच के साथ लेकिन ये वाला जुट जाता है तो इसीलिए दो गो हाइड्रोजन यहाँ है यार एगो ये तो दो और तीन गो हाइड्रोजन और एगो ऑक्सीजन हो जाता है सी अलग इसमें ये टूट जाता है एन अलग और ओ अलग ठीक है तो ये सब याद रखिएगा क्षारक जो है अम्ल पानी के साथ अभी यानी जल विलियन क्षारक का जल्यू विलियन ओ एच माइनस आयन देता है और अम्ल का जल विलियन एच प्लस आयन होता है जो कि कैसा रूप का होता है एस थ्री ओ प्लस के रूप का होता है ठीक है और एक बात बताए थे कि सभी क्षारक जल जा, जल में नहीं घुलता है ठीक है सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होता है और जो क्षारक जल में घुलनशील होता है यानी जो जल में घुल सकता है उसको क्षार कहते हैं या अलकली कहते हैं इंग्लिश में ठीक है अलकली या क्षार यानी जो क्षारक पानी में घुल सकता है वो क्षार है और बाकी सभी क्षारक पानी में नहीं घुलता है जो घुल गया उसको क्षार कहेंगे और बाकी बात तो क्षारक है ये ठीक है तो क्वेश्चन यहाँ से कहता है क्या सभी क्षारक क्षार है तो नहीं होगा सिर्फ जल में घुलने वाला क्षारक क्षार है लेकिन कहेगा क्या सभी क्षार क्षारक है तो बिल्कुल सभी क्षार क्षारक है क्योंकि क्षारक से ही आया है क्षार जो पानी में घुल रहा है वह वाला क्षार क्षार है तो क्षार है कौन पानी में घुल रहा है तो क्षारक ना पानी में घुल रहा है तब तो उसको क्षार कह रहे हैं तो सभी क्षार जो है वो क्षारक हो सकता है बट सभी छारक यानी सभी बेस नहीं हो सकता है अलकली यानी क्षार ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे तो ये याद रखिएगा तो अभी तक जो हम रिएक्शन बताएं और अम्ल और क्षारक में क्या समानता है कभी कभी एक नंबर में पूछ सकता है तो अम्ल और क्षारक में एक समानता है याद रखिएगा दोनों में आयन बनता है ये एक समानता है एक में भले एच प्लस आयन एक में ओ एच माइनस आयन लेकिन दोनों में आयन बन रहा है बस ये समानता है ठीक है चलिए अब अभी तक जो रिएक्शन बताएं अभी तक जो रिएक्शन जितना भी रिएक्शन बनाएँ बताएं वो सारे रिएक्शन को एक झलक में देख लेते हैं कि एक झलक देख के वो सारे एक नज़र में कैसे फिट हो जाए उसको देख लेते हैं डायग्राम की सहायता से तो ये पूरा साफ कर दिए पूरा एक झलक देखिए एक झलक में पूरा दिमाग में इसको खपाने की कोशिश करिए ठीक है ठेके? तेरी झलक सर्फी करके अम्ल का दिखा दे रहे पहले उसके बाद छा देखिए ठीक है अम्ल का देख अम्ल का देख कैसे दिख रहे हैं इधर धातु के साथ अभिक्रिया धातु के साथ अभिक्रिया करेगा अम्ल प्लस धातु लवन और हाइड्रोजन गैस बनता है ठीक है उधर देख ऑक्साइड या इधर पहले देख लेते हैं धातु के साथ क्या हुआ लवन और हाइड्रोजन बन गया ठीक है उसका नीचे आइए तो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया तो धातु कार्बोनेट के साथ अगर अम्ल को अभिक्रिया करते हैं अम्ल को तो लवन कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है उसके बाद यही अम्ल को अगर धात्विक ऑक्साइड से कराते हैं धात्विक ऑक्साइड जो अभी जो देखते थे तो लवण और जल बनता है फिर यही ऑक्सीजन यही धातु आम्ल को यही आम्ल को धातु कार्बोनेट से कराते हैं तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट कार्बोनेट धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट कार्बोनेट दोनों के साथ सेम चीज बनता है लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल और धातु जो है अम्ल के साथ धातु और अम्ल का अगर अभिक्रिया कराएं तो लवण और हाइड्रोजन धातु अम्ल लवण और हाइड्रोजन और यही धातु ऑक ऑक्साइड से करें धातु ऑक्साइड अम्ल जो है धातु ऑक्साइड से करे तो लवण और जल ठीक है और अम्ल और क्षारक एक साथ क्रिया करे तो भी लवण और जल बनता है ठीक है तो ये अम्ल का एक चित्र छूट ले सकते हैं इसको देख लीजिए दिमाग में खपाने की कोशिश करिए क्षारक का देखिए एक झलक है लवण और हाइड्रोजन कब बनता है क्षारक धातु से अभिक्रिया करने से लवण और हाइड्रोजन धा दा, धातु के साथ कौन क्षारक अभिक्रिया होगा तो लवन और हाइड्रोजन गैस बनता है धातु बाई कार्बोनेट से कोई अभिक्रिया नहीं करता है क्षारक जो है धातु बाई कार्बोनेट से कोई अभिक्रिया नहीं करता है उधर देखेंगे तो आधात्विक ऑक्साइड के साथ हम अभिक्रिया करके लवन और जल बनाता है आधात्विक ऑक्साइड के साथ लवन और जल बनाता है धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है ना कार्बोनेट से करता है धातु कार्बोनेट ना धातु बाई कार्बोनेट दोनों में से किसी से क्षारक अभिक्रिया नहीं करता है और यहाँ पे देखिए अम्ल और क्षारक अभी क्रिया करता है तो लवन और जल बनता है ये तो पता ही है ठीक है तो ये रहा रिएक्शन कुछ कुछ इंपोर्टेंट यानी धातु और आम्ल और क्षारक पढ़ रहे हैं तो आम्ल और क्षारक का ये था रासायनिक गुण मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में छोटा छोटा ही वीडियो करते कोर्स कंप्लीट होगा टेंशन नहीं लेना है थोड़ा सा अभी कम वीडियो दे पा रहे हैं जैसे माइक भी, भी खराब हो गया ऑर्डर किए हैं तो ऑर्डर नहीं किए अभी पहले कोशिश कर रहे हैं का कि दो माइक है अब दोनों इसलिए अब दोनों में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसमें भी रिकॉर्डिंग हो रहा है और वहाँ भी हो रहा है इसमें भी और माइक में तो दोनों में देख रहे हैं कौन ठीक आता है कहा कि पता नहीं न चलता है कि किस में तो थोड़ा देर कुछ देर तक अच्छा होता है फिर बीच में कहाँ पे गड़बड़ हो गया कहाँ पता चलेगा वहाँ सुना नहीं ना रहा है डायरेक्ट अब समझ में नहीं आता है। फिर पूरा वीडियो जब एडिट करने लगते हैं तब पता चलता है कि पाँच मिनट सही है उसके बाद पूरा कचरा हो गया है तो थोड़ा सा इसमें भी दिक्कत हो गया पेमेंटों नहीं आ रहा है तो कैसे करें अट्ठाईस को पेमेंट आता है तब तक तो किसी तरह चलाते हैं उसके बाद फिर ऑर्डर करेंगे बढ़िया वाला माइक फिर से ये कनेक्टर ही नहीं मिलता है इस माइक का ये कनेक्टर ही नहीं मिल रहा है दो कनेक्टर था दोनों घींचा उचा के थोड़ा सा क्या हो गया आवाज़ ही क्लियर नहीं आ रहा मतलब तार उ टच कर गया होगा तो चलिए फिर भी कला मिल वीडियो मिलते रहेगा टेंशन नहीं लेना है है ना और पूरा क्लास कराएंगे दिसंबर तक पूरा कंप्लीट कर देंगे ऐसे भी सेशन जो है जुलाई से शुरू हुआ है इस बार तो एग्ज़ाम भी वही जुलाई आसपास में जून या जुलाई में होगा ठीक है ठेके? तो दिसंबर तक कर अगर कंप्लीट कर देंगे आराम से कम्प्लीट होगा दिसंबर तक तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई मई अगर जून में भी एग्जाम हो तो पाँच छः महीना उधर बच रहा है तो उतना काफ़ी है रिविजन कर ली गई हड़बड़ा रहे हैं बेकार में थोड़ी जनवरी में एग्जाम होगा ना जनवरी या फरवरी में नहीं होगा ना मार्च में होगा क्या कि जुलाई से सेशन स्टार्ट हुआ है ऐसे तो थोड़ी सात आठ महीना का होगा ये पूरा बारह महीना का होगा नहीं तो दस महीना तो कम से कम रहेगा यानी कि मई में भी नहीं हो सकता है जुलाई में सेसन स्टार्ट से हुआ है यानी जून तक एग्जाम होगा मई का लास्ट या जून तक एग्जाम होगा है, है ना तो पाँच महीना दिसंबर के बाद भी बचेगा इसलिए दिसंबर तक कंप्लीट कर देंगे या अभी जुलाई चल रहा है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पाँच महीना दिसंबर आने में भी है तो पाँच महीना नहीं लगेगा दिसंबर से पहले ही बढ़िया से कम्प्लीट करेंगे मैथ और साइंस को भी। पूरा किताब टेंशन न को लेने का है और उससे पहले ही कर देंगे नवंबर में ही कर देंगे इतना ज़्यादा दिन नहीं लगेगा नवंबर तक ही कोशिश करेंगे या दिसंबर भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं उधर भी पाँच महीना बचेगा ठीक है आराम म से पढ़िए लेकिन समझ समझ के एक ही चीज़ को बार बार देखिए दोबारा मतलब ऐसा नहीं कि भूलने का इतना देख लीजिए इतना पढ़ लीजिए कि मतलब किसी भी चांस किसी भी तरह का कोई चांस ही ना रहे कि उसको भूल या जाएंगे या ये हो जाएगा मतलब बाद में दिक्कत हो इस तरह का कोई मौका ही नहीं देना है अपने माइंड को है ना इतना माइंड को उस ट्रेनिंग दे दीजिए प्रैक्टिस करा दीजिए है ना बार बार वीडियो देखिए बार बार रिवीजन करिए अब अभी है ना कोई ज़रूरी नहीं है कि फिर दसम्बर बाद रिवीजन करें एक वो अभी एक बार देख के छोड़ देना जितना टाइम मिलता है अभी रगतते रहिए है ना मैथ को खास करके और साइंस को बाकी को तो याद करना है तो लास्ट में याद कर सकते हो लेकिन अभी मैथ और साइंस को शुरू से नहीं समझिएगा तो गड़बड़ाइएगा तो बढ़िया से समझते रहिए रटते रहिए छोटा छोटा क्लास ही देंगे ज़्यादा बड़ा क्लास में भी बोरिंग लगने लगता होगा इसलिए आधा घंटा का ही कोशिश करेंगे देंगे ज़्यादा लंबा नहीं और इतना ही में आधा आधा घंटा करके एक एक चीज़ को अच्छे से समझते चलेंगे ताकि कोई दिक्कत किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना रहे बाद में चल के ठीक है तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही कल नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें पी एच स्केल देखेंगे ठीक है पी एच स्केल का पूरा विस्तार से समझेंगे उसके बाद और क्या क्या है थोड़ा सा बता दे रहे हैं कल का क्या रहेगा पी एच स्केल रहेगा रिएक्शन सब खत्म हो गए पी एच स्केल रहेगा उसके बाद फिर साधारण नमक का रासायन बताएंगे उसी में ठीक है आगे पी एच कल थोड़ा सा का बात है पाँच मिनट दस मिनट का उसके बाद फिर साधारण नमक का रसायन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड विरंजक चूर्ण बेकिंग सोडा धोने का सोडा प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सारा चीज़ को देखेंगे यानी कल का वीडियो में कल थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो लंबा नहीं होगा आधा चालीस मिनट तक में समझिए खत्म हो जाएगा ठीक है तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आंसर करेंगे फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और अप्लीकेशन जो अभी तक ना डाउनलोड करें डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पर आपको पूरा हम नोट्स अपलोड कर दिए हैं ठीक है साइंस का बाकी सब्जेक्ट का भी धीरे धीरे अपलोड होते रहेगा क्लास वन टू ट्वेल्व ठीक है पूरा वहाँ पे मिलेगा अभी काम चल ही रहा है एप्लीकेशन का लेकिन पूरा काम होता तब अपलोड करते तो तब तक कुछ पढ़िए है, है ना तब तक कुछ कुछ क्लास तो अभी दे ही पा रहे हैं ठीक है काम उधर अपलीकेशन का भी हो रहा है इधर प्ले स्टोर में भी अपलोड कर दिए ताकि आप लोग का भी काम आ जाए ठीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक उसको भी पहुँचाने का प्रयास करें ताकि नेक्स्ट अपडेट जो है पूरा जैसा मेरा सोच है जैसा उसको हम बना रहे हैं वैसा अपडेट आने से पहले ही कम से कम दस बीस हज़ार उसको डाउनलोड कर ले ताकि वो जो अपडेट आएगा तो पूरा मज़ा आ जाएगा ठीक है उसमें एकदम वन से टूवेल्व तक तो पूरा क्लास वाइज वीडियो मिलेगा क्लास वाइज सॉल्यूशन मिलेगा क्लास वाइज किताब रहेगा नोट्स रहेगा सब कुछ फ्री में देंगे बस आपका साथ रहा तो ठीक तो चलिए मिलते हैं नेग वीडियो में थैंक्स फॉर